सो वन सेकंड दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे महाराष्ट्र टूर के नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में। तो भाई पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था हम लोग श्री घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे थे, तो भाई आगे का जो वीडियो रहेगा वो इस पार्ट में मिलेगा। दोस्तों ये रहा गेट सामने एलोरा केव में जाने का, तो चलिए चलते हैं अंदर। अभी सब लोग तो भाई काफी थके हुए हैं, फिर भी चलते हैं अंदर, उसके बाद देखते हैं यहाँ भी एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। जब हम लोग आ जा रहे हैं यहाँ पर एलोरा का गुफा, तो हम हमारे साथ बाकी सब लोग हैं और अभी देखते हैं अंदर का है कि यहाँ देखने में काफी भयानक लग रहा है और सबका दिमाग डिस्टर्ब है कितना दूर कैसे चला जाएगा। चलिए आप लोग को दिखाते हैं पूरा एलोरा गुफा। ये रहा भाई टिकट, इसका उल्टा टिकट पर पर्सन 40 रुपए लगे इस पे। और ये रहा बहुत ही एक्सपेंसिव, देखो जी बहुत ही एक्सपेंसिव गाइड हमने पाया इसको 5 रुपए किलोमीटर पे। हाँ अभी बताएंगे वो क्या है सर, बताइए। तो दोस्तों हम लोग आज में एलोरा गुफा में, हमारा गला बैठ गया है। हाँ। इंट्रोडक्शन देंगे हमारे गाइड सत्यम गुप्ता, गाइड कर रहे हैं इनको 50 रुपए मिनट पे। सेल्फी स्टिक 50 में हमें जा रहा है, जो हमारे यहाँ मिलता है 100 में, यहाँ 50 में गुफा के अंदर, वो भी वायरलेस वाला नहीं है। आइए फॉलो मी गाइड। हाउ मच? Only 50 रुपीज। हाँ जो हमारे यहाँ 100 रुपए मिलता है। चलो हमारा गाइड काफी एक्सपेंसिव है, ये 50 रुपए किलोमीटर पे आया है। आगे टोपी लगा के अंग्रेज जा रहे हैं, देखिए आगे टोपी लगा के अंग्रेज जा रहे हैं। हमारे साथ एक वेस्ट इंडीज का बंदा हमारे साथ है जो काफी दूर से चल के आया घूमने के लिए। प्रधानमंत्री जी के पड़ोसी, प्रधानमंत्री प्रिय, नमस्कार। और यहाँ देखिए आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे फोटोग्राफर। ये गाइड काफी एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं, केवल केवल फालतू लोग बुझा रहे हैं। आ गया नीम का पेड़, वो भाई साहब मैंने देखा ही नहीं था। यहाँ भाई असली गाइड यहाँ है। ये रहा भाई एलोरा की गुफा का मैप। ए डिस्क्राइब करो यार, जैसे पॉइंट बना है, समझ जाइए आप लोग देख के। इतना समय नहीं है मेरे पास, 50 रुपए। ये क्या लिखा है 25 नंबर 24 नंबर क्या लिखा है? ये सब उसका कब्र है, कब्र। लोगों को दिखाते हैं बाहर का व्यू कैसा है एलोरा गुफा का, कुछ इस तरह से। हमारे फॉरेनर भाई, हमारे भाई आए हैं इंग्लैंड से। हाय हाय से, हाय से, हाय। ये जैसे पूरा हम भाई, हाँ कैमरामैन अमन अग्रहरी के साथ। अरे घमोल पहले अंदर चलो यार। कैमरामैन सस्ता अमन अग्रहरी के साथ, तन मन धन सबसे पीछे रहने वाले आदित्य शर्मा। अरे भाई क्या मामा बताओ। चलिए वो देखिए ऊपर ऊपर देखिए क्या घोड़ा गाय। नहीं नहीं, जैसा कि आप सभी लोग पहुंच गए हैं एलोरा गुफा में, लेकिन बहुत प्राचीन गुफा है, गुफा के बाहर हम लोग खड़े हैं। और वहां जो देख रहे हैं वहां से ऐसे जाना है ऊपर से, ऐसे फिर वहां से ऊपर तक जाना है। जैसे कि इसके कहने पर रहेंगे तो ऐसे में आइए गायब हो जाएंगे, इसलिए हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं क्या सही में अंदर कुछ है या नहीं। बताओ गाइड 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 सुनो, वो क्या है जो ऊपर दिख रहा लाल लाल, वो जैसे गाय है कुत्ता है बिल्ली, जैसे लाए थे अपने साथ उनको, उसे बैठ के आए थे गुफा में घूमने, गिरा दी अपने गुफा में घूम गायब हो गए और वो सब उसको खोज रहे हैं अभी वहाँ वादियों में। वहाँ देखिए दिखाया जाए। सो गाइस देखिए हम लोग धीरे धीरे गुफा के अंदर जा रहे हैं और काफी यहाँ पर जो आइए टुटला, काफी ये पुराना गुफा है एलोरा का गुफा जो कि महाराष्ट्र में है। तो अभी हम लोग तो भाई जा रहे हैं अंदर। भाई गाइड मेरे क्या क्या देखे तुम यार, कुछ दिखा नहीं रहे हो।
देखिए बहुत प्योर पानी यहाँ से गिरता है, देख रहे हैं वहाँ पाइप लगवाए थे टूट गया है, टंकी फूट गया है, टूट गया है और कैक्टस का पेड़ आदर्श लगाया था, छोटा सा लगाया था, बड़ा हो गया वहाँ। देखिए एक मेरा लगाया हुआ ऊपर, देखिए पकड़ने पानी है, पेड़ कैसे ऊपर है यार, सही बात हो ना, ये आप क्या कहना चाहेंगे दूर से, दूर से, हसीन वादियों के बीच में आप क्या कहना चाहेंगे, दूर से दूर से, दूर से हसीन वादियों में हम लगा के दूर से, हम दो दोस्त घूम रहे हैं और हमारे कुछ जाने पहचाने हुए, एक आधा शर्मा जी हो तो बताइए, गाइड है, टूरिस्ट लेकर आए तो पहले ही अपने बाग सबसे बड़े गाइड हमारे ये थे, बहुत प्यार आदमी है, गांव से दूर भले, और यहाँ पहले गाइड से मिलिए, हमारे पहले गार्जियन है, हमारे छोटे जीजा जी हैं, इनका नाम चंद्रशेखर जी है, बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत साफ है, यही हम लोग को लेकर आए घुमाने के लिए, ये भी देश की आजादी हमारे बड़े, हमारे बड़े जीजा जी हैं, ये बहुत अच्छे आदमी हैं, सब कुछ सब कुछ, यही हमारे चार्टर्ड है, ये हमारे कैशियर है, उम्र बुलाइए सुंदर दृश्य होता है, और यहाँ पे ये पहाड़ कभी भी टूट सकता है, किसी को पता नहीं है गाइड 500 ले रहे थे, कृष्णा का हाथ भी पड़ गया, गाइड बन गया हूँ, ये 10 ये 5 है मिनट, अभी ये कुछ कहना चाह रहा, आप कितना दूर चलने पे थक जाते हैं बताइए, भरे हुए रहते हैं भाई, आप भी कुंवारे हैं, गिरल 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 दोस्तों आ चुके भाई अभी एंट्रेंस पे, तो एलोरा के गुफा की एंट्रेंस पे, और सबसे बोलते रहे मैं गला बैठ गया यार, मैं बोल रहा हूँ ये देखिए ताजा पानी आपको घुसते ही मिल जाएगा, ताजा पानी जिसको आप ठीक है धन्य हो सकते हैं, एक बार आप यहाँ बोलेंगे तो 4 बार सुनाई देगा, हरिओम सत्री, ये देखिए ये ज्ञान सिंह के पूर्वज मिल गए हैं, किसके ज्ञान सिंह पूर्वज, विष्णु अग्रहरी का पुराना फोटो, किसका विष्णु अग्रहरी, विष्णु अग्रहरी भोलेनाथ डब्बा, प्राचीन ये यहाँ डब्बा मिल जाएगा आपको, देख लीजिए मिल गया आपको डब्बा, कलाकृतियां बनी हुई है वो भाई काफी काबिले तारीफ है, आप लोग देख सकते हैं पहाड़ उतार के बनाया गया इसका, जी जी क्या होते हैं इसमें, अब हम लोग चलने वाले हैं ऊपर की तरफ, योग तो है बिल्कुल, आप और महाराष्ट्र में आ रहे हैं घूमने ऊपर जरूर आइए, और यहाँ पर देखिए कि कैसा यहाँ का मतलब इतनी अच्छी तरीके इसको बनाया गया है पहाड़ को काट के, तभी अंदर चलते हैं, अब ये कमरा है, कमरा यहाँ गुफा, आइए कमरा 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 कमरा, यहाँ फोफा भी हो सकता है, हाँ सांप हो सकता है, ले जी आई ले आदर्श आदर्श कर दो, यहाँ पे आप देखिए आदि मानव का प्रवेश होते हुए, बहुत हल्ला कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं तीन चार, ये हमारे भाई देखिए हम लोग के पूर्वज, रुको रुको जी, हम लोग के पूर्वज थे आदि मानव भलमानु जी को कहते थे, तो उनके हमारे पूर्वज बहुत दिन के बाद मिल गए हैं, तो भलमानु हमारे ये पूर्वज, तो आप क्या कहना चाहेंगे आप इस जंगल गुफा के बारे में, या आप क्या कहेंगे जैसे आप यहाँ लोग लाइव देखेंगे आप गाली देंगे तो आप समझेंगे, डब्बे के मालिक है, इनका शादी होने वाला, ये डब्बा अपना छोड़ दिया कहीं दूसरे डब्बे यूज कर रहा है, डब्बल की डब्बा की बोतल,
अब इतना बड़ा सौभाग्य कहाँ मिलता है, दोनों चीजें तो जाते हैं चापा तट है। सर गोल दबाव होता है। अच्छा तू उठा कभी? अरे बाप अरे बाप, हम आओ तो निकल ला। एक दो तीन। यार काफी यहाँ पर बहुत प्राचीन ये जो पहाड़ को काट के ये केव बना है। अब जो ये पुरानी चीज़ें देखने में जो अपना अपने देश के बारे में मज़ा होता है ना, वो वाकई में कहीं नहीं मिलता है। तो अगर आप लोग भाई यहाँ से हो या फिर आप एक बार जरूर महाराष्ट्र आएँ तो यहाँ पर लोग एलोरा केव जरूर आएँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा यहाँ पर क्या ही यार दृश्य है। आप लोग फिर से दिखाते हैं यहाँ का जो व्यू है। सो दोस्तों, हम लोगों ने भाई एलोरा केव को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया भाई, काफ़ी मस्ती भी की हम लोगों ने आपस में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा भाई तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम लोग भाई अब निकलना है यहाँ से बाहर जाने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग को फिर जाना है शिरडी, और भाई शिरडी से फिर कल सुबह मॉर्निंग में निकलना है हम लोग को भीमा शंकर के लिए। तो भाई वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से आगे। हर हर महादेव।